आज 16 जून को आज हमारे घर पर एक 15 से 20 लोग घर पर आकर जो है सो बदतमीज़ी करके गाली गलौज करके और हम लोग मुजाहिद आलम खान साहब के लोग हैं और जो सो माजिद और अजीज़ साहब के कहने पे जो सो हम लोग आए बोल के हम लोग के ऊपर जो सो अटैक करना शुरू कर दिया लेडीज़ पे जेंट्स पे। और ये एक्चुअली दो कमिटीज़ का जो सो डिस्प्यूट चल रहा है ऑलमोस्ट 15 साल से। जो पुरानी कमेटी है उसके सपोर्ट में हम लोग हैं और उसी को जो सो हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। जो पुरानी कमेटी के सदर कौन है जी? पुरानी कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब है सईद साहब है, जो मोहित साहब जो सो लीगल एडवाइज़र है उनके कमेटी के, और उसको जो सो टोटल हम लोग करते हैं। तो इज़दानी साहब जो सो उसके प्रेसिडेंट है। तो आज जो सो हमारे घर पे टोटली 15 से 20 लोग आके जो सो अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब फाइट बना के मारे हैं, लेडीज़ के ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो लेडीज़ को जो सो छेड़छाड़ करके लेडीज़ को जैसा बोले वैसा हमला करने की वजह क्या? तो ये कमेटीज़ का डिस्प्यूट है, कमेटीज़ के डिस्प्यूट की वजह से आज हमारे ऊपर हमारे घर पर जो सो अटैक कर रहे हैं। हालांकि हम लोग जो सो कोई वैसे उसमें कुछ भी हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोई चीज़ में अननेसरी जो सो हमारे को हरास कर रहे हैं, हमारे को जो सो मार के करके जो सो अननेसरी हम लोग को वो कर रहे हैं। तो आगे सामने बोलो। और ये लोग थोड़ी थोड़ी मतलब देर को जो सो नाम लेके जो सो बोल रहे थे, तुम लोग मुजाहिद साहब बोलने के बाद भी खाली नहीं करते रहे तुम लोग। हाँ, अजीज़ और जो सो माजिद साहब हमारे को भेजा है, मुजाहिद साहब बोलने के बाद खाली नहीं करते रहे तुम लोग का बहुत ज़्यादा बुरा अंजाम होगा बोल के। अगर हम लोग नहीं ठहरते और पुलिस टाइम पे नहीं आती वहाँ पर तो हम लोग को क्या होता पता नहीं। तो हमारे को हमारी लाइफ का जो थ्रेट है अभी, और ऑलरेडी कंप्लेंट कर रहे हैं हम लोग, FIR भी हो रही है अभी, और रात के अभी 1 बज रहे हैं हम लोग, 1 बजे पुलिस स्टेशन में अभी हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मकान है, आप बताओ वो लैंड है किसकी? जी, वो वफ़ की लैंड है, मुमताज़ ज़ियारतदला जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट की लैंड है। आज हम लोग 60 से 70 साल हो गया है वहाँ पर, फोर फादर हमारे जो है वहाँ पर हम लोग सर्विस कर रहे हैं। हम लोग अभी केयर टेकर मैं हूँ, मेरा नाम आरिफ है, और वहाँ पर जो भी है टोटल हम लोग जो है निगरानी करना वहाँ की ज़मीन की, जो 36 एकड़ लैंड है जो पीछे की उसकी निगरानी वगैरह टोटल टेक केयर हम लोग ही करते हैं टोटल। तो ये थोड़े दिन से जो है चल रहा है हमारे को, मतलब डराना धमकाना हमारे को, और वहाँ से हटाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी आगे वार्निंग देके गए थे हम लोग, कंप्लेंट कर रहे थे PS में। ओके, और एक हमारे बशीर भाई करके रहते हैं वहाँ पर, उनके घर पे आके वो करें, पर आज तो बहुत ज़्यादा हद पार कर दिए हैं लोग। और मैं गुजारिश करता हूँ कि कड़ी से कड़ी जो सो कार्रवाई की जाए। ऑलरेडी हम लोग साहब से बात करें, CI साहब से बात करके जो सो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग बोले हैं। और वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है लास्ट 50 ईयर्स बैक, जो वाली साहब हमारे आए थे आसिफ हाई स्कूल में, हमारे वाली साहब थे, मुलाजिम थे, एज ए LDC रिटायर्ड हुए, जो 50 साल पहले जो हमारे को किरायानामा वगैरह लिखा गया उसके भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। जो 2 रुपये जो सो पर मंथ किराया था उसके पूरे टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी भी है। और एवरी मंथ हम लोग जो सो किराया पे कर रहे हैं ट्रस्ट को, ट्रस्ट को चेक जा रहा है हमारा टोटली, एंड ट्रस्ट से जो सो हमारे को ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्टिंग। जो हरासमेंट हो रहा है आप इसकी शिकायत करें ट्रस्ट से? जी, ट्रस्ट से हम लोग करें, हमारे लीगल एडवाइज़र जो है हमारे मोहित साहब उनसे भी करें हैं। तो मोहित साहब भी जो सो टोटली कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो भी जो सो वो करें हैं। तो इंशाल्लाह वो भी जो सो हम लोग को कमिटमेंट करेंगे, कैसा भी हम लोग एक्शन लेंगे। अब तक जो किराया बन रहे थे उसके स्लिप्स वगैरह है? जी, उसके रिसीट्स है, जो किरायानामे के रिसीट्स है, मेरा जो ऑफ़र लेटर मेरे को दिए थे हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो भी है मेरे एज ए केयर टेकर करके, जो पूरे हर चीज़ है हमारा। ट्रस्ट से आया है हमारे को, जो ट्रस्ट है अभी जो मौजूदा ट्रस्ट है, जो मेन जो ट्रस्ट है, एक डिस्प्यूट का ट्रस्ट नहीं है, जो मेन ट्रस्ट है उसका जो सो हम लोग, एक मेन ट्रस्ट है एक और एक फर्जी ट्रस्ट है। और एक फर्जी ट्रस्ट है जो मसल पावर के बिना पर उसके उससे जो सो ये इलीगली जो सो एलिमेंट्स को जमा करके ऐसे अटैक करना वो करना कर चल रहा है वो।